प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 पाठ 13 हैं। अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है। इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ एक ही व्याख्यान का है जिसमें हम पाठ की हिंदी और अभ्यास कार्य दोनों करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ। तो कठिन शब्दार्थों में हमारा सबसे पहला शब्द है भाषियम। भाषियम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, भाषा जमा इयम। इयम का अर्थ है यह है और भाषा मायने भाषा। तो हमारा अर्थ हुआ यह है भाषा। भाषियम भाषा, इयम यह है भाषा। दूसरा शब्द मता मानी गई है। तीसरा निधि ही खजाना। चौथा शब्द विचार्य माने विचार करके। और पांचवा शब्द है वांग्मय जिसका अर्थ है साहित्य। तो हमने ये पांच शब्द पढ़े। भाषेयम भाषा जमा इयम यानी यह भाषा। मता मता मायने मानी गई है। निधि ही मायने खजाना। विचार्य विचार्य मायने विचार करके। और पांचवा शब्द वांग्मय मायने साहित्य। छठा शब्द है अनुपमम। अनुपमम मायने अतुलनीय। सातवां शब्द जगति। जगति मायने संसार में। आठवां शब्द है रसायन शास्त्रम मायने रसायन शास्त्र। नौवां शब्द है खगोल विज्ञानम मायने अंतरिक्ष विज्ञान। खगोल मायने अंतरिक्ष और विज्ञानम मायने विज्ञान। अगला शब्द है धृति ही मायने धैर्य। और हमारे पास अंतिम शब्द है पोषकम मायने समर्थक। अनुपमम अतुलनीय, जगति संसार में, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, धृति ही मायने धैर्य और पोषकम मायने समर्थक पोषक। अब है पाठ की हिंदी। सबसे पहले संस्कृत वाक्य। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् भाषा इयम् अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्याम् सुरक्षितः। हिंदी विश्व की उपलब्ध सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीन यानी पुराना, ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसमें अर्थात संस्कृत भाषा में सुरक्षित है। तो फिर से पढ़ते हैं। विश्वस्य मायने विश्व की, उपलब्धासु मायने उपलब्ध, भाषासु मायने सभी भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा मायने सबसे पुरानी भाषा, अस्ति मायने है। तो हमारा वाक्य बना विश्व की उपलब्ध सभी भाषाओं में या विश्व में उपलब्ध सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। भाषेयम हमने शब्दार्थ में किया था, भाषा जमा इयम यानी यह भाषा। अनेकाशाम अनेक भाषाओं। जननी मता, जननी मायने जन्म देने वाली माता, मनी जननी मता मायने मानी गई है। तो हमारा वाक्य बना यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। जननी मायने जन्मदात्री। प्राचीन योहो ज्ञान विज्ञान योहो निधि ही।
प्राचीन यहो मायने प्राचीन, ज्ञान विज्ञान यहो मायने ज्ञान और विज्ञान का, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का, निधि ही मायने खजाना, अस्याम मायने इसमें, अर्थात संस्कृत भाषा में, सुरक्षितः मायने सुरक्षित है। अगला है बेटा, संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम् संस्कृति तथा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। तो पहले वाक्य का अर्थ, संस्कृतस्य महत्व विषये, संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में, केनापि कथितम्, किसी के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है कि भारतस्य प्रतिष्ठे, कि भारत का गौरव, भारत की प्रतिष्ठा, दो चीजें हैं। कौन कौन सी? संस्कृतम संस्कृति ही तथा, एक संस्कृत भाषा और दूसरा भारत की संस्कृति। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। तो हमने पढ़ा संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में, किसी के द्वारा कहा गया है कि भारत का गौरव दो चीजें हैं, यानी कि भारत की प्रतिष्ठा दो चीजें हैं, एक संस्कृत भाषा और दूसरा भारत की संस्कृति। इयं भाषा अति वैज्ञानिकी का अर्थ है यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। आगे बढ़ते हैं। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम् एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, अस्याः वाङ्मयम् वेदहि पुराणहि नीतिशास्त्रहि चिकित्साशास्त्र आदिभिः च समृद्धम् अस्ति। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत् कि कंप्यूटर, संगणकस्य का अर्थ है कंप्यूटर के लिए, संस्कृत भाषा ही, संस्कृतम एव संस्कृत भाषा ही सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयम्, इसका अर्थात संस्कृत भाषा का साहित्य, वेदहि वेदों में या वेदों के द्वारा, वेदों से, पुराण ही पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्र ही नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र आदि भी ही च, और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा, या से समृद्धम अस्ति, समृद्ध संपन्न है, समृद्ध मायने संपन्न है, संपूर्ण है। तो हमने क्या पढ़ा, कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा ही सबसे उत्तम भाषा है, इसका अर्थात संस्कृत भाषा का साहित्य वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध अर्थात संपन्न है। आगे है बेटा, कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम्, कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में बताते हुए हम आगे बता रहे हैं कि कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम अर्थात श्रेष्ठ है, जो कि इसी भाषा में है। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति, संसार भर में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र, गणित शास्त्रे मायने गणित शास्त्र में शून्यस्य शून्य का प्रतिपादन अर्थात आविष्कार सर्वप्रथमं सबसे पहले आर्यभट्ट अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया। हमने अब तक क्या पढ़ा,
कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य मैंने काव्य सौंदर्य अनुपमम अनुपम अर्थात श्रेष्ठ है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन अर्थात आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानं विश्व प्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं रसायनशास्त्रं खगोलविज्ञान ज्योतिषशास्त्रं विमानशास्त्रं इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। तो चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयोः चरक आचार्य चरक और सुश्रुत का योगदान जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र विद्यमान हैं उनमें जैसे वास्तुशास्त्र है, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र, ये सभी उल्लेखनीय हैं। यानी कि जो संस्कृत भाषा है उसमें केवल सौंदर्य काव्य सौंदर्य ही नहीं मिलता, उसमें चरक और सुश्रुत का योगदान भी संस्कृत भाषा में ही चिकित्सा शास्त्र में उपलब्ध है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा संस्कृत शास्त्र में और भी अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, जैसे कि वास्तुशास्त्र से संबंधित, रसायन शास्त्र से संबंधित, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि, ये सब भी उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानः, संस्कृत में विद्यमान सूक्तयः सूक्तियां अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुंबकम्, विद्या अमृतम् अश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। संस्कृत भाषा में उपलब्ध सूक्तियां अर्थात श्रेष्ठ कथन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे सत्यमेव जयते मैंने सत्य की ही जीत होती है, वसुधैव कुटुंबकम् पूरी धरती ही हमारा परिवार है, विद्या अमृतम अश्नुते विद्या के द्वारा अमरत्व को प्राप्त किया जा सकता है, और योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि कर्मों में कुशलता ही योग है आदि। तो अब तक हमने पढ़ा कि संस्कृत भाषा में उपलब्ध सूक्तियां भी हैं, श्रेष्ठ कथन भी हैं, जो हमें क्या करते हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ उदाहरण के तौर पर हमें 3-4 सूक्तियां दी गई हैं, जैसे सत्यमेव जयते कि सत्य की ही जीत होती है, वसुधैव कुटुंबकम पूरी धरती ही हमारा परिवार है, विद्या अमृतम अश्नुते विद्या के द्वारा अमरत्व को प्राप्त किया जा सकता है, और कर्मों में कुशलता ही योग है आदि। आगे है सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्ष्यति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषा इयं केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति न अस्ति। सर्वभूतेषु आत्मवत् यानी कि सभी प्राणियों से स्वयं की तरह व्यवहार करने के लिए यह भाषा हमें क्या देती है, शिक्षा देती है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही मिलता है या केवल धार्मिक साहित्य ही है, ऐसी सोच उचित अर्थात सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः
उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। संस्कृत भाषा के ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत भाषा के ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधा अनेक विषयः, विषय समाविष्टः सन्ति, समाविष्ट अर्थात उपलब्ध हैं। कौन कौन से विषय हैं वो? महापुरुषाणां मति ही, इसमें महापुरुषों की मति अर्थात बुद्धि, उत्तम जनानां धृति ही, उत्तम लोगों का धैर्य, और सामान्य जनानां जीवन पद्धति ही च च मैंने और सामान्य लोगों की जीवन शैली वर्णिता सन्ति वर्णित है। तो अब तक हमने पढ़ा संस्कृत भाषा के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक विषय समाविष्ट अर्थात उपलब्ध हैं। जैसे इसमें महापुरुषों की मति अर्थात बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली का वर्णन किया गया है या जीवन शैली वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यम् एव पठनीयम्। इसलिए हमें भी संस्कृत जरूर पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। इससे क्या होगा? लोगों का और समाज का उद्धार होगा, परिष्कार होगा। तो इसलिए हम लोगों के द्वारा संस्कृत भाषा जरूर पढ़ी ही जानी चाहिए। संस्कृत भाषा के पठन के द्वारा मनुष्य और समाज की शुद्धि होती है, अर्थात कल्याण होता है। अब संस्कृत भाषा के बारे में एक श्लोक हम पढ़ेंगे। उक्तम च, कहा ही गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम्। और कहा ही गया है कि हे मित्र, संस्कृत भाषा अमृत के समान है। किसके समान है? अमृत के समान है। सरस मायने रस के सहित, और सरल सरल मायने साधारण वाणी है ये, जो सभी भाषाओं में, भाषासु महनीयम, सभी भाषाओं में क्या है? श्रेष्ठ है, और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है, अर्थात ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली है। अतः यह भाषा क्या है? अमृत तुल्य है। फिर से मैं श्लोक की हिंदी कर रही हूं। उक्तम च अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, संस्कृत भाषा अमृत के समान है। सरसम सरलम वचः, सरस है और सरल वाणी है, जो सभी भाषाओं में, भाषासु महनीयम यद, जो सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है, और ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली अर्थात ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली है। अतः इसलिए यह भाषा क्या है? अमृत तुल्य है। अब बेटा हमने पाठ की हिंदी कर ली, अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले अभ्यास कार्य में हम पहला प्रश्न करेंगे, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। इन शब्दों का उच्चारण करना है, जैसे मैं कर रही हूं, मुझे सुनकर आप भी कीजिए। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम, शास्त्रम वांग्मय, विद्यमानः अर्थशास्त्रम। एक बार फिर से कर रही हूं। उपलब्धासु संगणकस्य चिकित्सा शास्त्रम, शास्त्रम वांग्मय, विद्यमानः अर्थशास्त्रम। तो इन शब्दों का आपको क्या करना है? उच्चारण करना है। अब है बेटा हमारा दूसरा प्रश्न। प्रश्न नाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखो। का भाषा प्राचीनतमा,
कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है? उत्तर है हमारा संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्? शून्य का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने। तो हमने दो प्रश्न किए यहाँ पर, का भाषा प्राचीनतमा, कि सबसे प्राचीन सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, जो कि है संस्कृत। तो हमारा उत्तर है संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनं कः अकरोत्? शून्य का प्रतिपादन मायने आविष्कार किसने किया? वो है उत्तर हमारे पास आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। हमारे पास अगला प्रश्न है, कौटिल्येन रचितं शास्त्रं किम्? कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? उत्तर अर्थशास्त्रम्। कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? अर्थशास्त्रम्। अगला प्रश्न, कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम् अनुपमम्? किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? संस्कृत भाषा यहा। उत्तर क्या है हमारा? संस्कृत भाषा यहा, मायने संस्कृत भाषा का। और अगला प्रश्न है, काहा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति? क्या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं? क्या प्रेरित करती हैं? वो करती हैं सूक्तियां। तो हमारा एक शब्द में उत्तर होगा सूक्तयः, सूक्तियां अर्थात श्रेष्ठ वचन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। हमारा पहला प्रश्न है, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का? कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा, सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? तो हम उत्तर में देंगे, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम् अस्ति, संस्कृत है। दूसरा, संस्कृतस्य वाङ्मयम् कहि समृद्धम् अस्ति, संस्कृत भाषा का वाङ्मयम् मायने खजाना, किसमें समृद्ध है? ठीक है, तो संस्कृत भाषा का खजाना किस किस में है? वेदों में, पुराणों में, नीति शास्त्रों में, चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्धम् अस्ति। तो हमारा उत्तर होगा, संस्कृतस्य वाङ्मयम् वेदहि पुराणहि नीति शास्त्र ही चिकित्सा शास्त्र आदि भी च समृद्धम् अस्ति, इन सब के द्वारा समृद्ध है। वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा। फिर से मैं वाक्य पढ़ रही हूँ, संस्कृतस्य वाङ्मयम् वेदहि पुराणहि नीति शास्त्र ही चिकित्सा शास्त्र आदि भी च समृद्धम् अस्ति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत किम् शिक्ष्यति? संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम् कर्तुम् शिक्ष्यति, क्या शिक्षा देती है? संस्कृत भाषा में क्या शिक्षा देती है? कि सभी से आत्मवत् अपनेपन का व्यवहार करो। अस्माभिः संस्कृतम् किमर्थम् पठनीयम्? हमें संस्कृत भाषा किस लिए पढ़नी चाहिए? अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यम् एव, जरूर ही पढ़नी चाहिए। क्यों? तेन, जिससे मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, क्योंकि इससे मनुष्य और समाज का परिष्कार होता है, कल्याण होता है। फिर से प्रश्न और उत्तर कर रही हूँ, संस्कृत किम शिक्ष्यति? संस्कृतम् किम् शिक्ष्यति? संस्कृतम् सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम् कर्तुम् शिक्ष्यति। अस्माभिः संस्कृतम् किमर्थम् पठनीयम्? हमें संस्कृत भाषा किस लिए पढ़नी चाहिए? अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यम् एव पठनीयम् तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, कि हमें संस्कृत भाषा जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे मनुष्य और समाज का कल्याण होगा,
होता है। अब है हमारे पास अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब हम कर रहे हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। आपको एक प्रथमा विभक्ति से संबोधनम तक एक उदाहरण दिया जाएगा और दूसरे में कुछ ब्लैंक्स दिए जाएंगे। गति, गति ही, गति, गतयः। तो हमारे पास है मतयः, तो मति ही, मति। हमने गति ही की तरह ही क्या कर दिया, मति ही। और द्विवचन में क्या किया, गति, मति। ऐसे ही है बुद्धि, ये द्वितीय विभक्ति है, और बुद्धिम, बुद्धि, बुद्धि ही। अब इसका अगला जो हमें मिलेगा वो आगे बढ़कर देखते हैं। प्रीति, प्रीति की द्वितीया को पूरा करना है हमें, तो हमारे पास ब्लैंक में है प्रीतिम, और प्रीति आपको दिया है, प्रीति ही भी ब्लैंक है, तो हमने क्या इसको पूरा किया, प्रीतिम, प्रीति, प्रीति ही। अब है नीति, तृतीय विभक्ति, नीत्या, नीत्या, नीति भ्याम, नीति भी ही। तो उसी तरह शांति को करना है, तो शांत्या, शांति भ्याम, शांति भी ही हमें दिया है। तो हमने दो ब्लैंक्स शांतया और शांति भ्याम तृतीय विभक्ति के भरे। चतुर्थी में हमारे पास है मति, और हमें दिया है मतयै, मतये एकवचन, मति भ्याम द्विवचन, और मति भयः बहुवचन। अब इसी तरह चतुर्थी विभक्ति का और शब्द क्या दिया है, आगे पढ़ते हैं। अब हमें दिया है प्रकृति, मति की तरह प्रकृति चतुर्थी विभक्ति करनी है, तो ब्लैंक में दिया है, हमें दो ब्लैंक दिए हैं, प्रकृति भ्याम दिया है, यानी द्विवचन हमको दिया है, तो एक वचन हम क्या लगाएंगे, प्रकृतयै, प्रकृतये, और प्रकृति भ्याम, प्रकृति भयः भी, यानी कि बहुवचन और एक वचन हमने किया। कीर्ति फिर से है पंचमी विभक्ति, कीर्ति त्याहा, कीर्ते, कीर्ति भ्याम, कीर्ति भयः। तो गीति हमको दिया है, तो कीर्त्याहा की तरह गीत्याहा, गीर्ते, कीर्ति भ्याम की तरह गीति भ्याम, कीर्ति भयः की तरह गीति भयः। अब है षष्ठी विभक्ति में हमारे पास शब्द सूक्ति, और षष्ठी विभक्ति क्या है सूक्ति की, सूक्तेः, सूक्त सूक्तयः, सूक्तयोः, सूक्तीनाम, यानी एक वचन में है दो, सूक्तेः सूक्तयः, द्विवचन सूक्तयोः, और बहुवचन है सूक्तीनाम। अब जो ब्लैंक हमें दिए हैं आगे पढ़ते हैं। तो हम थे बेटा कौन सी विभक्ति पे, षष्ठी पे। अब हमारे पास शब्द है कृति, हमें उसकी तरह ही करना है, तो एक वचन कृतेः कृतयः, द्विवचन कृतियो हो, और बहुवचन हमें दिया है कृति नाम। अब है सप्तमी धृति, धृतौ धृत्याम, धृतियो हो धृतीषु। अब भीति शब्द दिया है, तो धृतौ की तरह भीतौ, धृत्याम की तरह भीत्याम, धृतियो हो भीतियो हो, धृतीषु भीतीषु। और मति हमारे पास है संबोधन में, यहाँ कोई ब्लैंक नहीं है, तो हे मते, हे मति, हे मतयः, यानी कि स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो हैं हमारे पास अलग अलग कोई भी आ सकते हैं। ये बहुत से उदाहरण आपको दिए हैं, लेकिन हमें रूप उसका एक ही चलाना है, किस तरह से चलाना है, एक आपको उदाहरण दिया है और दूसरे में आपको ब्लैंक्स दिए हैं, तो अब आप समझ ही गए होंगे इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। हमारा पहला प्रश्न है, यानी कि जो हम वाक्य करेंगे उसमें जो हमें कोष्ठक दिया है उसके अनुसार हम शब्द निर्माण करेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है, संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः निधिः सुरक्षितो अस्ति, सुरक्षितः अस्ति। तो निधि ही हमें कोष्ठक में दिया है, जिसके लिए हमने शब्द लिया कह।
संस्कृतम एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो संगणकस्य हमें कोष्ठक में दिया है और जिसके लिए हमने शब्द लिया कस्य। शल्य क्रियाया वर्णम संस्कृत साहित्य अस्ति। तो संस्कृत साहित्य हमें कोष्ठक में दिया है जिसके लिए हमारे पास प्रश्न सूचक शब्द है कस्याम। चौथा है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्। तो वरिष्ठान शब्द कोष्ठक में है जिसके लिए हमारे पास प्रश्न सूचक शब्द है कान। तो अब मैं इन्हें प्रश्न सूचक शब्दों के साथ बोल रही हूँ वाक्यों को। तो पहला वाक्य है संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कः सुरक्षितः अस्ति। प्रश्न सूचक चिन्ह। संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। प्रश्न सूचक चिन्ह। शल्य क्रियाया वर्णम संस्कृत साहित्ये अस्ति। तो संस्कृत साहित्य के लिए कस्याम अस्ति। तो शल्य क्रियाया वर्णम कस्याम अस्ति। प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला है वरिष्ठान। तो वरिष्ठान के लिए हमने लिया प्रश्न सूचक शब्द कान। कान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम्। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है उदाहरण के अनुसार पदों के विभक्ति और वचन लिखो। यानी कि पद दिया है आपको, वो कौन सी विभक्ति है, वो पद यानी किस विभक्ति का, और वचन उसका कौन सा वचन है, वो दोनों लिखने हैं। जैसे एक उदाहरण आपको याद दिया है संस्कृते। संस्कृते क्या है, षष्ठी विभक्ति और एक वचनम। इसी तरह गति ही, गति ही प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। नीतिम, नीतिम द्वितीया विभक्ति है, एक वचन है। सूक्तयः, सूक्तयः भी द्वितीया विभक्ति है लेकिन बहुवचनम है। तो हमने तीन किए, गति ही प्रथमा विभक्ति एक वचनम, नीतिम द्वितीया विभक्ति एक वचनम, सूक्तयः द्वितीया विभक्ति लेकिन बहुवचनम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास शांत्या। शांत्या तृतीया विभक्ति है और एक वचनम है। प्रीत्यै, प्रीत्यै चतुर्थी विभक्ति है और एक वचनम है। अगला है हमारे पास मतिषु। मतिषु सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम। कौन सा है, कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़े बनाकर लिखो। तो मैंने यहां पर इनके सही जोड़े ही बनाए हैं। कौटिल्येन अर्थशास्त्रम रचितम। कौटिल्य ने क्या किया, अर्थशास्त्र की रचना। तो चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम्। चिकित्सा शास्त्र में किनका योगदान था, चरक और सुश्रुत का। शून्यस्य आविष्कर्ता कौन है, शून्य का आविष्कर्ता आर्यभट्टः। संस्कृतम को किससे जोड़ा है मैंने, ज्ञान विज्ञान पोषकम्, ज्ञान विज्ञान का पोषक करने वाली। और सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। सूक्तियां क्या करती हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आपका आज का गृह कार्य है पाठ 13 अमृतम संस्कृतम का अभ्यास कार्य। आपको कहाँ करना है बेटे, ये आपको करना है पुस्तक में। यानी कि ये जो 7 प्रश्न अभ्यास कार्य में मैंने आपके साथ, पहला प्रश्न तो था उच्चारणम कुरुत, उसका तो आपने कुछ नहीं करना, केवल उच्चारण ही करना है, वो तो आपके लिए मौखिक गृह कार्य है। और बाकी 6 प्रश्नों के उत्तर जो अभी हमने डिस्कस किए, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ करने हैं, पुस्तक में। यानी कि आपको संस्कृत की पुस्तक में ये काम करना है, उत्तर पुस्तिका में नहीं। फिर से गृह कार्य बता रही हूँ, पाठ 13 अमृतम संस्कृतम का अभ्यास कार्य पुस्तक में करना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले पाठ के साथ।